देहेस्तिमान सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वां जायासुतादिसु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि सं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। आज बड़ा सुंदर उपदेश गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को दे रहे हैं। कहते पिताजी, देहेस्ति मांस रुधिरे, ये जो शरीर है ना, ये जो देह है, इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है, बस इस शरीर में हड्डियां हैं, रक्त है, मांस है, और उसके ऊपर खाल चमड़ा लगा दिया गया है। अगर ये कट गया ना, तो भीतर से खून निकलेगा, हड्डियां दिखेगा, मांस होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे शरीर में इतना सुंदर, इतना खास कुछ भी नहीं। और जिस दिन भीतर से जो प्राण है वो तत्व निकल के चला जाए, तो शरीर तुरंत खत्म। और इस शरीर का अंत में जाकर के मिट्टी में मिल जाता है, राख बन जाता है। इसलिए शरीर से मोह मत करिए। पिताजी, आपने जो सोचा, आपका जो निर्णय है उचित है, इसलिए वन में जाइए, भजन करिए। देखो, हमें मनुष्य तन मिला है, इस शरीर के ऊपर इतना ज्यादा भी मोह मत रखिए। आप इसको तो ध्यान रख रहे हैं, अपने लिए हम सब चिंता करते हैं। हर मनुष्य अपने लिए विचार करता है, हम क्या खाएं, क्या पिए, क्या पहने। प्यार से बोलो, राधे राधे। ये जो बच्चा है, इनके माता पिता जहाँ कहीं भी हैं, आप लोग अपने बच्चे को ले जाइए। ये जो बच्चा है शायद भीड़ में खो गया है, बच्चा का नाम क्या है पता नहीं हमको। आपको अगर दिख रहा है तो आकर के अपने बालक को ले जाइए। और हाँ, माताओं से निवेदन है, अपने बच्चे को साथ में रखा करो, इतने भीड़ में गुम हो जाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। माताएं आए तो अपने बालक को साथ में ही रखिएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब उसके बाद में गोकर्ण जी महाराज ने अपने पुत्र, अपने पिता को उपदेश दिया है। इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, ध्यान दीजिए लेकिन सीमित हो। संसार में रहिए ऐसे, आप यहाँ रह करके परिवार के बीच में, सबके बीच में रह करके भी भगवान को याद करते रहिए। भगवान ने हम लोगों को इसलिए मनुष्य बनाया, सबको प्रेम करिए, लेकिन आसक्ति कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। अपना मन है, लोगों को टाइम दीजिए, समय दीजिए, लोगों से बात करिए, सबसे प्रेम करिए। जो मन है ना, दिल है ना, ये लोगों को मत दो, भगवान को दो। भक्ति प्रेम प्रभु से करिए, तब मानव होना सार्थक हो जाएगा। एक दिन सबको इस संसार को छोड़ के जाना ही होगा, तो जब तक रहिए सबसे प्रेम करिए, कभी किसी का दिल मत दुखाइए।